प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस महान परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आज का नया भोर का प्रकाश प्रभु ने हमें दिया। रात भर में हम मीठी और अच्छी नींद प्रभु ने दी और एक नया दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए उस महान परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करें। न जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने रात को अपनी आंखों को बंद किया, परंतु सुबह में उन्होंने अपनी आंखों को नहीं खोला। परंतु ये खुदावन का अनुग्रह है कि जो उसने हम पर किया है, और हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए आज की सुबह में हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के उस जीवित वचन को सुने, ताकि हम सब मिलकर आशीषित हों, और आइए उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं गुस्से के बारे में। वचन में जाने से पहले हम एक गवाही को सुनेंगे कि एक भाई ने हमें फोन किया। उन्होंने बताया कि उनके कान में कई दिनों से दर्द था, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुना और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उन्हें कान के दर्द से पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। हम बात कर रहे थे गुस्से के बारे में। गुस्सा, हर किसी मनुष्य के अंदर गुस्सा होता है, और इस गुस्से के कारण बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं गुस्से के कारण, खून कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, अपने जीवन को त्याग देते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। इस गुस्से के कारण परिवारों में लड़ाई, झगड़े, मारपीट, बहुत सी बातें होती हैं जिसके कारण परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो 24 घंटे गुस्से में होते हैं। हर छोटी से छोटी बात में गुस्सा, बड़ी से बड़ी बात में गुस्सा, हर बात में वो गुस्सा करते हैं। कभी अपनी पत्नी पर गुस्सा, अपने बच्चों पर गुस्सा, अपने माता पिता पर गुस्सा, अपने जॉब पर गुस्सा, हर चीज में उन्हें गुस्सा, हर बात में वो गुस्सा करते रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस गुस्से से बाहर आना है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी क्रोध में नहीं रहना है, आपको लोगों से प्रेम से रहना है, प्रेम से बातचीत करनी है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, न कि गुस्सा। बाइबल कहती है याकूब उसका पहला अध्याय और 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, यदि हम बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, और वास्तव में हमारे अंदर फिर परमेश्वर वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो प्रेम में नहीं बल्कि गुस्से में चल रहे हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। इसलिए मेरे प्रियो, इस गुस्से को आपको छोड़ना होगा, परंतु आप इस गुस्से को अपने आप से नहीं छोड़ सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह है जो इस गुस्से को आपके जीवन से दूर कर सकता है। यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यदि आपको हर बात में गुस्सा आता है, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वो आपको ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य देंगे कि आप इस गुस्से से पूर्ण रूप से छुटकारा पा जाएंगे। मसीह यीशु में जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये गुस्से से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा, आपके अंदर प्रेम की नदियां बहने लगेंगी और आपके अंदर से गुस्सा चला जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यदि तुम्हें गुस्सा आए, यदि तुम्हें गुस्सा आए तो सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, तभी हम मसीह हैं। यदि हमें गुस्सा आया और हम कई दिनों तक उस व्यक्ति से गुस्सा हैं तो हम मसीह में नहीं हैं। वास्तव में हमारे अंदर फिर मसीह नहीं है, या फिर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वास्तव में हम फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। परंतु जब कभी हमें गुस्सा आए तो सूर्य अस्त होने से पहले हमारा गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति से जिस पर हमने गुस्सा किया उस व्यक्ति से हमें मेल मिलाप कर देना चाहिए, उस व्यक्ति से फिर से प्रेम से हमें बातचीत कर देनी चाहिए। यही हमें बाइबल सिखाती है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप इसी प्रकार से प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। यदि कभी आपको गुस्सा आ भी जाए तो तुरंत से उस व्यक्ति से मेल कर लें, उसको क्षमा कर लें, या फिर उससे माफी मांग लें। मेरे प्रियो, तभी आप
मसीह में हैं। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप गुस्सा न करें बल्कि एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम से बातचीत करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपनी मन की बातों को कहें। जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वो यीशु मसीह से कह दीजिए, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपका पिता है, वो आपका साथी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, मेरे खुदावन, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु पृथ्वी पर और हम सब के जीवन में पिता आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते कि तू पवित्र 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 अति पवित्र है पिता। प्रभु जी तू सेनाओं का प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है, तू अब्राहम याकूब और इसहाक का परमेश्वर है। लॉर्ड प्रभु तूने हमें बुलाया है पिता अपनी संतान बनने के लिए। लॉर्ड प्रभु तूने हमें अपने लहू के दाम देकर खरीदा है। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरे नाम को मैं प्रेज करती हूँ लॉर्ड, तेरे नाम की मैं महिमा करती हूँ पिता। ओ लॉर्ड फादर, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द वंडरफुल फादर, यू आर द पावरफुल लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद की रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश आपने हम सबके जीवनों में दिया। धन्यवाद की ये भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है। मैं आपके लहू में ढांपती हूँ पिता, मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति आज की सुबह में इनके संग में होने पाए। प्रभु जी तेरी उपस्थिति इनके संग में होने पाए। लॉर्ड ये खुलकर प्रभु जी खुलकर तेरी उपस्थिति में आए। कोई भी प्रभु ऐसी बात प्रभु जो बंधन इनके जीवन में है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपको इन्वाइट करते हैं होली स्पिरिट, हमारे दोस्त, हमारे सहायक, हमारी मदद करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। इन भाई इन बहनों को पिता परमेश्वर आप सबके सामर्थ्य दे, परमेश्वर से अपने मन की बातों को कहने के लिए आप इन्हें हिम्मत दे, आज के पूरे दिन भर के हर एक काम को करने के लिए आप इनकी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा कौन से रास्ते में चलना है, क्या इनके लिए सही है, कैसा सोचना है, होली स्पिरिट आप इन्हें बताएं परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, मेरे प्रभु जी धन्यवाद ही है आज के सुंदर और अटल वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। सच में मेरे पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर, जो भी क्रोध है पिता परमेश्वर क्रोध से पसंद नहीं होते, परंतु प्रभु आप प्रेमी प्रभु हैं, क्योंकि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर आप तो विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर आप प्रेमी हैं मेरे पिता, आप दयालु हैं, आप दया करने वाले, प्रेम करने वाले, मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद कि पिता तूने हमसे प्रभु जी प्रेम किया। पिता तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें अपनी संतान बनाया, तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर क्रूस को उठाया, तूने हमारे लिए उस लहू को बहाया। धन्यवाद कि तूने हमें हमारे पापों की क्षमा दी, धन्यवाद कि हमें दुष्ट के बंधनों से छुड़ाया, तूने दुष्ट को हमारे लिए हरा दिया, उसके हर एक हथियारों को तूने पिता प्रभु नष्ट कर दिया, उस शैतान के हर एक कामों को तूने हमारे जीवनों से नष्ट कर दिया है। लॉर्ड प्रभु जी उस दुष्ट का एक हथियार गुस्सा है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, जो प्रभु तेरे लोगों को पिता उनके जीवनों में गुस्सा डालकर परमेश्वर पिता उनके जीवनों को स्पॉइल करता है पिता, यीशु के नाम से मेरे पिता आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता। यदि पिता परमेश्वर इनका प्रभु गुस्सैल स्वभाव है पिता, गुस्सा बहुत आता है हर बात में, हर छोटी से हर बड़ी बात पर गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ों पर उतर आते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। लॉर्ड फादर हम प्रार्थना करते हैं ये गुस्सा इनके जीवनों से चला जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये शैतान के जो चलते हुए तीर है पिता परमेश्वर, ये गुस्सा जो उसका हथियार है पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों के जीवन को खत्म करता है, जो तेरे लोगों के जीवन को नष्ट करता है, मेरे पिता इस गुस्से को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इस भाई इस बहन के जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन से नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप प्रेमी हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपका वचन प्रेम के लिए कहता है कि परमेश्वर किसी की भी बुराई से
प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह भलाई से प्रसन्न होता है। प्रेम कभी गुस्सा नहीं करता, प्रेम कभी डाह नहीं करता, वह कभी झुंझलाता नहीं। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे पिता, आज प्रभु आपका प्रेम पिता इन भाई बहनों के जीवनों में आए, इनके आपस में प्रभु जी मेल मिलाप आए, इनके जीवनों में प्रेम आए, कि पिता ये अपने समान, अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने समाज से पिता परमेश्वर प्रेम करने वाले हो सके, क्योंकि आप प्रेमी हैं और प्रभु आपका स्वभाव प्रेम है पिता, और आप प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा देते हैं। आपने कहा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु कोई भी गुस्सा प्रभु इनके परिवार को ना तोड़े, कोई भी गुस्सा इनके रिश्तों में दरार ना लाए, कोई भी गुस्सा प्रभु जी इन्हें समाज से दूर ना करे, कोई भी गुस्सा परमेश्वर इनके जीवनों को खत्म ना करे मेरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान उन जलते हुए तीरों को पिता परमेश्वर तेरे लोगों पर इस्तेमाल करता है, परंतु तेरा वचन कहता है जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वह तुझ पर सफल ना होंगे। हालेलुया, सच में प्रभु ये शैतान का जो हथियार है गुस्सा प्रभु, ये इन भाई बहनों पर सफल ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। यदि इन्हें गुस्सा आता है, यदि प्रभु गुस्से के कारण प्रभु जी ये समाज से दूर हो गए हैं, लोगों के मन में प्रभु इनके प्रति डर है मेरे पिता, ये लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लॉर्ड फादर गुस्सा प्रभु इनके जीवनों से चला जाए अभी और इसी वक्त चला जाए प्रभु जी। प्रेम का स्वभाव, दया का स्वभाव, भलाई का स्वभाव आप इनके जीवनों में दें, अपने नौ फलों को आप इनके जीवनों में दें। प्रेम, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, कृपा, भलाई आप इनके जीवनों में दें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद पिता। यदि प्रभु गुस्से के कारण इनके परिवार टूट गए हैं, यदि गुस्से के कारण पिता परमेश्वर ये आपस में प्रभु जी मेल मिलाप नहीं है, गुस्से के कारण मेरे पिता परमेश्वर बहुत कुछ इतना आपने जीवन में खो दिया है, गुस्से के कारण ऑफिस में भी प्रभु इनकी नहीं बनती है, लॉर्ड दुआ करते हैं आज पिता परमेश्वर इनका गुस्सा इनके जीवन से जाने पाए, हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये भाई बहन पिता अपने घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए पिता, मेरे खुदावन्द यीशु मसीह आप इनके हाथ के कामों पर सामर्थ्य दें मेरे खुदावन्द, जिस काम पर हाथ लगाएं, जिस काम को करने के लिए जाएं, वो काम इनका सफल होने पाए मेरे प्रभु। घर से आने जाने में इनकी सहायता और मदद कर। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक मेरे पिता आप आज के दिन में इनको सुरक्षित रखें मेरे पिता, आपके प्रोटेक्शन में इन्हें रखते, आपके सुरक्षा दायरे में इन्हें रखते, क्योंकि आप इनकी चट्टान, आप इनके बचाने वाले हैं पिता। तेरे पंखों की आड़ में प्रभु आप इन्हें ले लीजिए। जिस प्रकार मुसीबत और विपत्तियों के समय मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले शरण देती है, उसी प्रकार प्रभु हर मुसीबत, हर विपत्ति, हर बीमारी, हर एक महामारी से पिता परमेश्वर इन सारी विपत्तियों से बचाने के लिए प्रभु जी आप हम सबको अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने इस भाई, इस बहन को, इनके परिवार के हर एक जन को अपने पंखों की आड़ में रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने छाए हुए स्थान में रखा है, क्योंकि पिता तू हमारा शरण स्थान है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, क्योंकि तूने हमें बुलाया है, तूने हमें बनाया है, हम तेरी उत्तम सृष्टि है पिता, और तूने मनुष्य को तूने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, होने दे प्रभु हम निरंतर तेरी सिद्धताई में, तेरी पवित्रताई में बढ़ने पाए। ये भाई, ये बहन पिता परमेश्वर प्रभु तेरे तुझ में सिद्ध होते जाएं, तुझ में पिता परमेश्वर बढ़ते जाएं। जिस प्रकार पौलुस कहता है मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर उस निशाने की ओर जो तू से इन्हें देने वाला है, जो सम्मान, जो आदर, जो प्रभु प्रतिफल आप इनके जीवन में देना चाहते हैं, ये उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, ये तुझ में बढ़ते जाएं मेरा प्रभु। तेरा स्वभाव इनमें दिन प्रतिदिन प्रभु आता जाए परमेश्वर, और ये सिद्ध होते जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिनों में मेरे पिता, इस समय ये भाई बहन प्रभु मेरे साथ प्रभु जिस बात के लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आप उनके जीवन में उन बातों को पूरी करें। यदि पिता ये जॉबलेस है, आप इन्हें जॉब दें। यदि प्रभु इनके पास संतान की आशीष है, कई सालों से नहीं है पिता, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है, लॉर्ड दुआ करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जी इन बहनों को प्रभु आप कंसीव करने में आप सहायता और मदद करें। यदि प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए, ये कंसीव करने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद
यीशु मसीह, मेरे प्रभु यदि प्रभु इनके ऊपर कर्जा है, लोन चढ़ा हुआ है, हाउस रेंट पे नहीं किया है, आर्थिक तंगियों से चल रहे हैं, आर्थिक तंगियों में है पिता प्रभु, घर में खटी कमियां है, यीशु मसीह अपने महिमा में धन से इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें पिता, और पिता इनकी इच्छाओं को पूरा करें, यदि रिश्ते टूटे हुए इनके रिश्तों को बनाइए मेरे प्रभु, इनके जीवन में अपनी भलाइयों को, अपनी आशीषों को, अपने मिरेकल्स को करें पिता, आज के दिन में ये आशीषित होने पाए, तेरी सुख शांति समृद्धि बरकत आशीष इनके जीवन में आने पाए लॉर्ड, इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी पिता इनकी सैलरी रुकी, इनकी सैलरी मिलने में मदद करें, पेमेंट रुका है पेमेंट मिलने में मदद करें, हम धन्यवाद करते पिता, इनके कमाई पर आप बरकत दे, इनके हाथों के कामों पर आप आशीष करें, इन्हें प्रभावशाली बनाए प्रभु, धन्यवाद। यदि आज की सुबह में बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए मेरे पिता, हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक पैरालाइज की बीमारी, हर एक चॉकलेट सिस्ट इनके शरीरों से चला जाए यीशु के नाम से, हर एक स्किन डिजीज, हर एक इन्फेक्शन, हर एक बीमारी इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक स्टोन प्रॉब्लम, हर एक जॉन्डिस की प्रॉब्लम, फीवर, टाइफाइड और पिता परमेश्वर वायरस प्रभु इनके शरीरों से जाने पाए यीशु के नाम से, धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि आपने इन्हें चंगा कर दिया, हर प्रकार की बीमारी निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु, खुजली की बीमारी, फोड़े फुंसियों की बीमारी, एलर्जी यीशु के नाम से इनके शरीरों से चली जाए, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने इन्हें चंगा किया मेरे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक यदि दर्द में है पिता, यदि प्रभु हड्डियां फ्रैक्चर हुई है, यदि हड्डियों का दर्द है, जोड़ों में दर्द है मेरे प्रभु, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से जाने पाए, इनकी हड्डियां जुड़ने पाए, यदि इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द है यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी का दर्द जाने पाए यीशु के नाम से, धन्यवाद करते पिता आपने इन्हें चंगा किया, धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक कोलेस्ट्रॉल, हर एक शुगर, बीपी, थायराइड इनके शरीरों से चला जाए यीशु के नाम से, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने इन्हें चंगा कर दिया है, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु जी तेरे राज्य के लिए दान और दशमांश दिया है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए मेरे खुदावन कि उनके जीवनों में प्रभु जी आप अपरंपार आशीषों की बारिश करें मेरे पिता, हम दुआ करते जो कुछ भी उन्होंने अपनी घटी कमियों में से दिया है यीशु मसीह आप प्रभु जी उन्हें 100 गुना 30 गुना 100 60 गुना रिटर्न करें पिता परमेश्वर, और उन्हें किसी भी वस्तु की घटी ना होने पाए, आप उन्हें आशीषित करें मेरे खुदावन, धन्यवाद करते मेरे प्रभु क्योंकि आप हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होते हैं, धन्यवाद जो भी प्रभु इन्होंने हर्ष से दिया है तेरे राज्य के लिए हम धन्यवाद करते, उन्हें ब्लेस करते लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में आप इन्हें प्रभु आशीषित करें, इन्हें सफल करें, इनकी सारे इच्छाओं को मनोरथों को पूरा करें, धन्यवाद कि आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया है, और उस धन्यवाद कि हम सबकी प्रार्थना को आपने सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस सुबह की प्रार्थना में बने रहे, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, हम सब निरंतर आपके लिए, आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप निरंतर यूं ही हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में